हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो ना आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास टेंथ में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम मैथ के 3 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है ना बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिंदु 5.0 और माइनस के 12.0 के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें ना दो बिंदु दे दिए हैं। ठीक है, एक बिंदु, जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, और इन बिंदुओं के ना हमें निर्देशांक दे दिए हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं जो निर्देशांक है 5.0। ठीक है, और जो दूसरे बिंदु का निर्देशांक है, इस बिंदु का निर्देशांक है -12.0। ठीक है, -12.0। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें ना इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इस तरह से बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बहुत आसानी से ज्ञात कर देंगे। ठीक है, हमें केवल इसका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये तो होता है हमारा एक्स का निर्देशांक और ये होता है वाई का निर्देशांक। ठीक है, और यहाँ पर भी ये होता है x का निर्देशांक, ये होता है y का निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको ना नाम दे देंगे। इसको हम दे देंगे x1, इसको नाम दे देंगे y1। ठीक है, ऐसे ही इसको x2 और यहाँ पर y2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फार्मूला वो ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर हमें दो बिंदुओं की दूरी निकालनी है, ठीक, उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर ना निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें पता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे हल। ठीक है, अब हल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे x2। x2 यहाँ पर है -12। ठीक है, यहाँ पर है -12। ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस। ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर है x1। x1 की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है y2। ठीक है, y2 यहाँ पर 0 हो और -y1। ठीक है, यहाँ पर y1 भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 0 -0। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, -12 और -5, -12, -17 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, -17 है। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, और इसमें हम 0 प्लस करेंगे तो वही संख्या रहने वाली है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पद तो हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा -17 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका -17 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं -17 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 289 आ जाएंगे। ठीक है, 289। अब क्या करेंगे, अब हम ना रूट के अंदर से अगर 289 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो 17 निकल के आएगी। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों बिंदुओं को जो बीच की दूरी है ना वो आ जाएगी 17। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से और इस सूत्र की मदद से, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सूत्र की मदद से आप ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, और इस सूत्र के ऊपर ना एक या दो क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा, तो इसको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि कॉस ए बराबर √3/2 ठीक है हो तो sin 2a का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें दिया गया है, हमें दे दिया है कॉस ए बराबर होता है √3/2 दिया है। ठीक है, केवल हमें इतना दिया है और इससे हमें sin 2a का मान बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, बहुत आसानी से बता देंगे। ठीक है, आप केवल वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, हल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है, इससे हमें केवल सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos a। ठीक है, cos a बराबर √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब हम कैसे भी करके अगर हम ना ए की वैल्यू निकाल लें, एंगल ए की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और उस ए की वैल्यू को हम यहाँ पर ए की जगह रख देंगे, तो हमें ना दो की मल्टीप्लाई करके साइन 2a की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम है ना, हमारा मेन काम है हमें केवल a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, और नहीं भी पता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3/2 है ना कॉस 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि पता चलता रहे, ठीक है। जो हमारा कॉस 3 होता है ना, कॉस 3 होता है रूट 3/2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसा करने से हमें क्या होगा, कॉस से तो कॉस हमारा कट जाएगा, बिल्कुल ही कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ए निकल के आएगा, एंगल ए है ना 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, केवल हमने एंगल की वैल्यू निकाल ली, एंगल है हमारा 30 डिग्री निकल के आ गया है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें ना साइन 2a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन 2a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना a की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, साइन का तो साइन रहेगा, 2 का तो 2 रहेगा, ठीक है। एंगल a की जगह हम 30 डिग्री डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, साइन का तो साइन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 30 में होगी, तो देखिए दोस्तों 30 दूनी 60, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से पता है जो हमारा साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 की जगह रूट 3/2 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन 2 है, ठीक है, साइन 2 जो हमारा निकल के आएगा, ठीक है, इसकी जगह हम ये बारी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 3/2, ठीक है, तो ये हमारी साइन 2a की वैल्यू हो जाएगी रूट 3/2, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू सेम निकली है, ठीक है, लेकिन इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है, बहुत आसान था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा अब ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक डायग्राम भी बना लिया है, ठीक है, इसी क्वेश्चंस का डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में लिखा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा त्रिकोणमिति है और इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारी ऊंचाई दूरी है, जिसमें जो फिगर बनेगा ना, वो आपको याद रखना है, समकोण त्रिभुज ही बनेगा हमेशा, है ना, हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है ना, वो एक समकोण त्रिभुज के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक मीनार है ना, मीनार हमेशा खड़ी होती है, ठीक है। तो मीनार की जो ऊंचाई है ना 20 मीटर है, ठीक है। तो हमने इस तरह से एक यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारी मीनार हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर h बराबर कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर यहाँ पर मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य की जो यहाँ से धूप आएगी ना, धूप से जो यहाँ पर मीनार की छाया बनेगी, ये वाली छाया बनेगी, ठीक है, 20 की छाया बनेगी। तो हमारी जो 20 की छाया की लंबाई कितनी है, यहाँ पर दिया है, हमारी छाया की लंबाई है ना 20√3 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम छाया, ठीक है, छाया की जो लंबाई क्या है, छाया की लंबाई है 20√3 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अगर वो सूर्य को देखे, ठीक है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा ना, वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा, थीटा कोण बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कोण बनेगा। तो हमें बेसिकली ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जो भी चीज़ हमें दिया है उसको पहले तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको हल लिखना है, ठीक है, फिर इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, हमें दिया है मीनार की हमें ऊंचाई पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, मीनार, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए वी है, ठीक है, यहाँ पर ए वी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए वी, ठीक है, ए वी हमारी कितना है, ए वी हमारा है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें मीनार की छाया की जो लंबाई दी है वो भी हमें गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे छाया, ठीक है, छाया की, ठीक है, छाया की लंबाई, ठीक है, लंबाई हमारी छाया की लंबाई क्या है, बी सी, ठीक है, यहाँ पर बी सी, बी सी कितना है, बी सी है 20√3, ठीक है,
20√3 मीटर। अब देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, अब हमें देखिए दोस्तों सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्य, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण हमें कौन सा निकालना है, उन्नयन कोण हम क्या माने, थीटा माने, ठीक है। तो हमें ना बेसिकली थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए दोस्तों मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यह वाला होता है हमारा आधार, ठीक है, और ये वाली होती है हमारी ऊंचाई, ठीक है, यानी कि लंब होता है, ठीक है, ये आधार होगा और ये लंब होगा, ठीक है। तो हमें दो चीज़ दिए हैं, ठीक है। अब दो चीज़ में यहाँ पर ये किस चीज़ का रिलेशन है, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों आपको ना एक छोटा सा सूत्र याद होगा, वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है लाल बट्टे का। आप बोलोगे हैं ये कैसा सूत्र है, हाँ जी ये बहुत बड़े काम का सूत्र है, लाल बट्टे का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टैन, ठीक है, ये होता है टैन, ठीक है। जो टैन का यहाँ पर रिलेशन होता है वो लंब बट्टे आधार का होता है, ठीक है, और इसका उल्टा होता है कॉट, ठीक है, कॉट। जो हमारा टैन होता है वो लंब बट्टे आधार होता है और यहाँ पर कॉट होता है वो होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो यहाँ पर लंब आधार, आधार लंब दिया है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, या तो हम टैन लेके सॉल्व कर लें या तो हम कॉट लेके सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर है ना टैन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में हम क्या करेंगे टैन थीटा लेंगे, ठीक है, टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा होता है हमारा, देखिए दोस्तों टैन थीटा होता है लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लंब कौन सा है, लंब है एबी, ठीक है, यहाँ पर लंब है ए बी, ठीक है, बट्टा लंब के बट्टा में है आधार, ठीक है, आधार यहाँ पर बी सी, ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे बी सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, टेन थीटा यानी कि थीटा की तो वैल्यू लगानी है, ठीक है, थीटा में तो हम कोई छेड़खाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं, सॉरी यहाँ पर थीटा होगा, ठीक है, थीटा है। अब देखिए दोस्तों हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू देखिए दोस्तों 20 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पर मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बी सी, ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने लगा दी, ए बी की वैल्यू 20 मीटर, बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 20√3 मीटर, ठीक है, यहाँ पर 20√3 मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मीटर से तो मीटर कट जाएगा, ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो फाइनल बचेगा 1/√3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरह से पता है जो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, देखिए दोस्तों आपको भी पता होगा, देखिए दोस्तों जो त्रिकोणमिति की टेबल है ना उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना 1/√3 की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, अब हमें यहाँ पर तो हमें तो याद है, ठीक है, हमें तो याद है, अगर आपको नहीं याद होगी तो आप क्वेश्चन को वहाँ से आगे बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/√3 होता है ना, 1/√3 होता है वो होता है 10⁻³० की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1/√3 की जगह 10⁻³० कर दें, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा, ठीक है, 10⁻³ बराबर, इसकी जगह हम क्या करेंगे 10⁻³० रख देंगे, ठीक है, 10, ठीक है, 10⁻³० यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से 10 से तो हमारा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यार यहाँ पर वेर वे यहाँ पर ना क्यू बन जाता है, थीटा है, सॉरी दोस्तों, है ना थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए दोस्तों 30 डिग्री निकल के आई है, ठीक है। तो थीटा हम किसको माने थे, थीटा हम माने थे सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, तो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण कितना निकला है, 30 डिग्री निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर आधार दिया था, लंबी दिया था, इसकी मदद से हमने क्या किया, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ना कोण निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे, आपको ना अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।